श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइव पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही जल्द 25 तारीख को पूर्णिमा है। इसके अलावा जो देखा जाए तो आपको 8 तारीख को, 8 मार्च को शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि भी है। इन सारी चीज़ों की जानकारियां आपको हमारे चैनल पर वीडियोस के थ्रू मैं दे रही हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और साथ ही कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हालांकि सवाल मैं पूछती हूँ आपसे हर दिन और आप सही सही जवाब भी देते हैं। तो कल जो मैंने सवाल पूछा था कि चंद्रमा मन का कारक है, या फिर मैंने एक ऑप्शन भी दिया था बुद्धि का, तो आज देखते हैं किसका किसका सही आंसर आया है। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं पंचांग पर। ये तो हमने जाना कि पंचांग क्या है, अब राशिफल बताऊं उससे पहले देखते हैं आज किन किन लोगों ने कमेंट किया और किन का आंसर गलत होता है, किन का सही। फिर आज का भी सवाल वीडियो के आखिर में मैं आपसे पूछूंगी। तो पहले नजर डाल लेते हैं लोगों के कमेंट्स पे। तो सवाल फिर से बता देती हूँ, कल मैंने पूछा था अपने डेली हॉरोस्कोप की वीडियो में, दैनिक राशिफल की वीडियो में, कि चंद्रमा किसका कारक माना जाता है। बहुत सारे लोगों ने राधे राधे लिखा है, विनोद जी ने लिखा है राधे राधे, विजय जी ने लिखा है जय श्री गणेशाय, मिथिन जी ने लिखा है जय श्री गणेशाय नमः। इसके अलावा जो है आंसर्स देखते हैं, लता जी ने लिखा है चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं और थैंक्स किया है आपने, आपका नाम लिया है। तो आप कमेंट करती हैं, आप हमारी रेगुलर व्यूअर हैं इसीलिए हम आपका नाम लेते हैं। इसके अलावा एट द रेट यूज़र FW8My6HX ये आईडी है उनकी, अब उन्होंने भी आंसर दिया है कि मन का कारक है, सही जवाब। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट जो व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया है मन का, उनका नाम है बुबाइदा दास। इसके अलावा देखा जाए तो धर्मा जी ने भी लिखा है, धर्मराज सिंह जी ने लिखा है कि मन का कारक चंद्रमा को माना गया है और माता का भी, एकदम सही जवाब, चंद्रमा माता की भी कारक कही गई है। लेकिन मैंने यही पूछा था कि मन का है या बुद्धि का, तो आपका भी जवाब सही है। दीपिका जी ने लिखा है मन का कारक, सही जवाब है। विजेंद्र जी ने भी लिखा है मन का कारक, आप सभी को एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा डॉली राजदान जी ने भी लिखा है कि मन का कारक है, सही जवाब। इसके अलावा शारदा जी ने लिखा हुआ है चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, ओम नमः शिवाय और शुभ एकादशी। तो शुभ एकादशी आपको भी, आप सभी को। जॉय जी ने भी लिखा है मन का कारक, विजय जी ने भी लिखा है मन का कारक। इसके अलावा अंकुश जी ने लिखा है नमस्कार, चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मन का कारक माना जाता है, एकदम सही जवाब है। इसके अलावा शारदा जी ने लिखा है, आपने मराठा साम्राज्य बोला, ये पिछला उत्तर आपने दिया है, मैंने कल जो सवाल पूछा था वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ था, हालांकि आपका भी आंसर सही है। इसके अलावा रक्षा मिस्त्री जी ने भी लिखा है मन का कारक। तो बहुत सारे लोगों ने, जितने लोगों ने आज आंसर किया है सारे लोगों ने सही ही आंसर किया है। तो आप सभी ने जो है सवाल सुना और सवाल का जवाब दिया। अब आज का सवाल है कि चंद्रमा, क्योंकि बहुत ही जल्द पूर्णिमा आने वाली है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि चंद्रमा की कितनी कलाएँ होती हैं। जी हाँ, आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 11 कलाएँ, 15 कलाएँ या 16 कलाएँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, काम का दबाव थोड़ा रहेगा लेकिन आज के दिन जो है आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। और एक चीज़ जिस पर आपको आज ध्यान देना है वो है आपका निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना होगा, यानी रिश्ते कहीं से आने वाले हैं, शादी के लिए वेट कर रहे थे तो रिश्ता आ सकता है, इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये जो समय है आपके लिए अच्छा है वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए, किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। मैरिड हैं तो पार्टनर के स्वास्थ्य का और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। सेहत की बात की जाए तो आज के दिन आपको बॉडी में स्वेलिंग या फिर आपको कमर से नीचे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पैसे की स्थिति ठीक रहेगी। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण करना है। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन, लकी नंबर की बात करूँ है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। वृषभ राशि वाले आज के दिन चर्चा का विषय बनने वाले हैं आपका अच्छा काम या आपके घर में किसी के लिए आपकी की गई मेहनत, आज लोगों की नज़र में आपको तारीफ दिलाने वाली है। पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत की बात करें आज के दिन पेट से जुड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा, पैसा फिजूल की जगह पर खर्च करने वाली है। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन लोगों की सेवा करें, लोगों का आशीर्वाद लें। लकी कलर आपके लिए वाइट है। लकी नंबर की बात करूँ वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मिथुन राशि,
मिथुन राशि वाले जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, थोड़ा सा आज गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। पैसे का लेन देन आज होने वाला है। आज के दिन सेहत की बात की जाए तो आंखों से जुड़ी समस्याएं और मौसमी मार पड़ सकती है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना आज के दिन जरूरी है। बाकी घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आज अच्छा समय गुजारने वाले हैं। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हरी मूंग का दान करें। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है। लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन कोई पुराना पेंडिंग काम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेहत को लेकर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी हेल्थ आज आपकी ठीक रहने वाली है। अगर कोई दवाइयां चल रही थी, आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज के दिन इस राशि की महिलाएं खुद पर बहुत सारा पैसा खर्चा करने वाली हैं। एक चीज़ जो बिजनेस करते हैं ध्यान दीजिएगा, आज के दिन कोई बेवकूफ़ बना सकता है तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाएं। लकी कलर आपके लिए आज व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि, सिंह राशि वाले आज के दिन चुप रहिएगा थोड़ा, क्योंकि क्या होगा ना, आप बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कोई गलत शब्द का आप इस्तेमाल करें, फैमिली में भी दिक्कतें आ सकती हैं जिसकी वजह से, या फिर जहाँ जॉब या बिजनेस करते हैं वहाँ भी आपको दिक्कत आ सकती है। इस राशि के जो लोग सेहत को लेकर आप अभी तक थोड़े से इग्नोरेंस दिखाते थे या सेहत को लेकर आप ध्यान नहीं देते थे, आज का दिन ऐसा होगा कि डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो सिंह राशि वालों को सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जॉब करने वालों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए। आपके लिए महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि इलायची खाकर दिन की शुरुआत करें। लकी कलर की बात करूं वो है आपके लिए रेड। लकी नंबर की बात करूं वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। यात्रा के योग बनने वाले हैं, तैयारियां हो सकती हैं आज के दिन। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपका शरीर जो है आपके, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा लगता है हैवी सा फील हो रहा है, तो आज आपको हैवी फील होने वाला है। हालांकि काम में कोई आपकी तारीफ ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने से बचना है, क्योंकि आने वाला समय आपको टेस्ट करेगा। तो ध्यान रखिए, आँख और कान खुले रखने की ज़रूरत है। सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है कि महिला या माता के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए आज रेड कलर। लकी नंबर की बात करूं वो है 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तुला राशि, तुला राशि वाले सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, गलत निर्णय ले सकते हैं आज के दिन। तो बहुत ज़्यादा जब आपको लगे ना कि दुविधा में है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो घर में बड़े हैं, गुरु हैं, या जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उनसे बात करके कोई भी डिसीजन आज लीजिएगा। खुद से निर्णय लेने से बचने की ज़रूरत है। इस राशि के वो लोग जो ना हाल ही में बिजनेस या नई नौकरी ज्वाइन की है, आज के दिन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है या कोई आपको षड्यंत्र में फंसा सकता है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरेगा, साथ ही साथ आज के दिन कुछ नई चीज़ों की खरीदारी भी संभव। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए आज ग्रीन। लकी नंबर की बात करूं वो है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले आज का दिन आपके लिए पैसों के मामले में अच्छा है, लेकिन सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी ये मौसम बदल रहा है तो बदलते मौसम की मार पड़ सकती है, ध्यान देना होगा। फैमिली के साथ धार्मिक चीज़ों में आज लिप्त रहने वाले हैं, पार्टनर के लिए कुछ खरीदारी ज़रूर करेंगे। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी कि हरी मूंग का दान करें। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट या ग्रीन। लकी नंबर की बात करूँ वो है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। धनु राशि, धनु राशि वाले आज के दिन काम के मामले में आपका दिन अच्छा बीतने वाला है, लेकिन पर्सनल लाइफ में किसी की सेहत आपकी चिंता का विषय रहेगी। साथ ही साथ किसी खास जो है आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं आप, कहीं पे आपको अवार्ड के लिए या किसी फंक्शन में आप शिरकत कर सकते हैं जहां पर आपके अच्छे लोगों से जान पहचान आज होने वाली है। कोशिश करनी है कि आपके घर में अगर कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनके साथ थोड़ा आज समय ज़रूर बिताइएगा। और दिन के एक घड़ी में, यानी कि आज हो सकता है संध्या के समय, शाम के समय, मन थोड़ा सा उचाट हो सकता है, ऐसा लगेगा ना कोई आपका अपना नहीं है, कभी कभी होता ही है, मन जो है ना बहुत ही विचलित हो जाता है, तो आज धनु राशि वालों को थोड़ा ऐसा होगा, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग इस राशि के
प्रिंटिंग के काम में है, पेपर के काम में है, लाभ मिलेगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है आज का दिन? कोशिश करनी है कि सौंफ मिश्री खाकर दिन की शुरुआत करें, फिर देखिएगा सारी चीजें कैसी आपकी सही निकलने वाली है। महा उपाय हो गया। लकी कलर की बात कर लेते हैं, वो है रेड। लकी नंबर की बात करूं 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मकर राशि वाले, आज के दिन ज्यादा लोगों से जुड़ने से बचना है। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, या कोई हमारे पास आता है हमें ऐसा लगता है कि अरे बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आज का दिन ऐसा है ना, किसी पर भी ज़्यादा विश्वास करने से बचना है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं। हालांकि गीता में कहा गया है अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, लेकिन आज मकर राशि वालों को थोड़ा ध्यान देना है। आप अपने लोग ध्यान से चुनिए, किनके साथ आज आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, किनके साथ आज आप समय बिता रहे हैं, वहाँ आपको ध्यान देना होगा। काम के चक्कर में आज के दिन थोड़ा आपको भागदौड़ देखना पड़ेगा। सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है आज के दिन। बॉडी के राइट साइड में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं और महिलाओं को आज चोट लग सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है आज का दिन? कोशिश करनी है कि ओम गढ़ गणपते नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। लकी कलर की बात की जाए, वो है आपके लिए आज ग्रीन। लकी नंबर की बात करूँ, वो है 3 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कुंभ राशि वाले, आज के दिन काम के मामले में आपकी बुद्धि बहुत तेज चलने वाली है। चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आसानी से आप कर लेंगे। लोगों की मदद मिलने वाली है। परिवार में दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर आ सकती है। आज के दिन पैसे को लेकर हिसाब किताब करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर की प्रॉब्लम, मुसीबतें आपके लिए आज चिंता का विषय रहने वाली हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है? बहन, बेटी, बुआ, मासी, घर की महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। लकी कलर की बात की जाए, वो है आपके लिए आज रेड। लकी नंबर की बात करूँ, वो है 2 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि वाले, जल्दबाजी में काम करने से बचना है। आज के दिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में आज के दिन, या जो लोग बिजनेस करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर आज के दिन आप थोड़ी सी मस्ती के मूड में रहने वाले हैं, यानी मन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा सावधानी हटनी नहीं चाहिए। आज के दिन कोशिश करनी है कि घर जब जाएं तो आज अपने घर की जो भी महिलाएं हैं या जो भी आपके घर में औरतें हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ खरीदारी करके लेके जाइएगा, यानी कुछ मीठा लेकर जाइएगा, स्थिति ठीक रहेगी। बाकी बच्चे हैं तो उनके साथ अच्छा समय गुजारेंगे। सेहत की बात कर लेते हैं, सिर से जुड़ी थोड़ी बहुत समस्याएँ आ सकती हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्या करना है आज के दिन? कोशिश करनी है कि आप गणपति की पूजा ज़रूर करें। लकी कलर की बात की जाए, वो है आपके लिए आज येलो। लकी नंबर की बात करूं, 3 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपके दिन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो फिलहाल आज जाते जाते बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया, आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी मैं तहे दिल से। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। आपको जो भी सवाल पूछने हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि सवाल जो है आज का, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं। कल का जो सवाल था बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, तो चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलती हूँ कल शाम 5 बजे, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।